स्वामी शारदानंद श्री रामकृष्ण के प्रिय शिष्य स्वामी शारदानंद जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी से संक्षिप्त पाठ करेंगे। ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गिणन्ति ये भूरिदा जनाः। स्वामी शारदानंद का पहले का नाम था शरतचंद्र चक्रवर्ती। श्री गिरीशचंद्र और नीलमणि देवी के पुत्र के रूप में शरतचंद्र का जन्म 23 दिसंबर 1863 ईस्वी को कलकत्ता शहर में हुआ था। शरत का परिवार काफ़ी बड़ा और समृद्ध था। विदेशी दवा की एक बड़ी कंपनी में उनके परिवार वाले साझेदार थे। माता एक धार्मिक महिला थी। माता से ही उन्हें धर्म और पूजा पाठ की ओर तीव्र अनुराग प्राप्त हुआ था। उन्होंने बचपन में ही कई स्तोत्र और भजन याद कर लिए थे। शरत एक तेज बुद्धि वाले विद्यार्थी थे। वे प्राय ही अपने विद्यालय की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते। नियमित व्यायाम कर उन्होंने अपना शरीर भी मजबूत बना लिया था। उनका जीवन सुव्यवस्थित था। शरत के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए विद्यालय की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर उन्होंने कलकत्ता में हिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। शरत संवेदनशील थे। दूसरों को दुख कष्ट देकर उनका हृदय द्रवित हो जाता था। उन्हें जो भी धन मिलता उसे वे बचा कर रखते और अपने गरीब दोस्तों के लिए किताबें कापियाँ पेंसिल आदि खरीद दिया करते। अपने कपड़े जूते स्वेटर आदि भी अपने दोस्तों को दे देते। श्री रामकृष्ण के विषय में एक पत्रिका में पढ़कर उनसे मिलने दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण ने शरत को देखते ही उनके बारे में सब जान लिया। श्री रामकृष्ण ने शरत से कहा था कि मन को इंद्रियों से उठाकर भगवान में लगा देने पर मनुष्य असीम शांति प्राप्त कर सकता है। श्री रामकृष्ण को कंठ का असाध्य रोग हुआ। सन 1885 ईस्वी में उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता लाया गया। शरत भी अन्य गुरु भाइयों के साथ पूरी तरह श्री रामकृष्ण की सेवा में जुट गए। अब शरत के पिता को चिंता हुई। एक दिन उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, यदि आप शरत से विवाह करने को कहेंगे तो वह जरूर विवाह कर लेगा। शरत भी वहीं थे। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, क्या श्री रामकृष्ण के कहने पर मैं विवाह कर लूँगा? मैं किसी भी कारण से अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। श्री रामकृष्ण के कहने पर भी नहीं। श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था, मेरे लोगों को महामाया जाल में नहीं फंसाती है। श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद शरत वारानगर मठ में रहते हुए कठोर तपस्या में निमग्न हुए। 24 दिसंबर 1886 ईस्वी को आठपुर नामक गांव में धूनी जलाकर नरेंद्र आदि श्री रामकृष्ण के त्यागी शिष्यों ने अनौपचारिक रूप से और बाद में वारानगर में औपचारिक रूप से संन्यास व्रत ग्रहण किए। स्वामी विवेकानंद तब शरत का नाम दिया स्वामी शारदानंद। स्वामी शारदानंद पुरी, वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि तीर्थों में साधना की। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर स्वामी शारदानंद और तुरियानंद ऋषिकेश के पास स्थित नीलकंठेश्वर शिव का दर्शन करने गए। वह स्थान
उस समय घने जंगल के बीच जंगली जानवरों से आकांत था। लौटते समय दर्शन करने गए वह स्थान लौटते समय रास्ता भूल जाने पर उन्होंने सोचा कि दोनों लोग दो अलग अलग पथों से जाएंगे, ताकि यदि कोई दुर्घटना हुई तो एक साथ दोनों लोग न मारे जाएं। स्वामी तुरियानंद को उनके मार्ग में थोड़ी दूर पर ही एक कुटिया मिल गई। अगले दिन सुबह सवेरे वे अन्य एक साधु के साथ शारदानंद को ढूंढने निकले। काफ़ी खोजने के बाद स्वामी शारदानंद को एक पत्थर पर ध्यान में बैठे पाया। जब उनसे पूछा गया कि तुमने क्यों किसी की खोज नहीं की, तब शारदानंद ने उत्तर दिया, जब मृत्यु निश्चित है तो निश्चिंत होकर भगवान का नाम लेते हुए मरना ही अच्छा है। शारदानंद असीम साहस और धैर्य के स्वामी थे। एक बार वे कश्मीर के पहाड़ियों में एक घोड़ा गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। घोड़ा किसी कारण से भयभीत हो भिदक गया और पहाड़ियों पर बेतहाशा नीचे दौड़ने लगा। घोड़ा गाड़ी एक पेड़ से टकरा कर अटक गई। शारदानंद गाड़ी से निकले। उनके निकलते ही एक बड़ा पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ घोड़े पर ही गिरा और घोड़ा मर गया। शारदानंद ने पूछने पर इस घटना के बारे में कहा था। उनका मन बिना विचलित हुए साक्षी भाव से पूरी घटना को देख रहा था। एक बार इसी प्रकार वे नाव से गंगा नदी में यात्रा कर रहे थे, तभी अचानक एक आंधी आई, नाव डावाडोल होने लगी। एक भक्त उनके साथ थे, वे भयभीत हो गए, पर स्वामी शारदानंद निश्चिंत भाव से नाव में अपना हुक्का पीते रहे। उनको निश्चिंत और शांति से बैठे देख उस भक्त ने क्षुब्ध हो उनका हुक्का पानी में फेंक दिया था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। 1896 ईस्वी में उन्होंने स्वामी शारदानंद को पश्चिम देशों में उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बुला लिया। दोनों लंदन में मिले। शारदानंद ने लंदन में कई व्याख्यान दिए। तब स्वामी विवेकानंद भारत लौट आए और शारदानंद न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क में वे वेदांत समिति के अध्यक्ष के रूप में 1898 ईस्वी तक रहे। स्वामी विवेकानंद ने भारत आकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और स्वामी शारदानंद को संघ का महासचिव बनाया। करीब 30 वर्षों तक वे इस कठिन कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। उनके अनेक कर्तव्यों में से एक था स्वामी विवेकानंद, दूसरा शुरू की बंगला पत्रिका उद्बोधन का प्रकाशन। सन 1908 ईस्वी में उन्होंने एक भवन का निर्माण कार्य लिया जो मां शारदा देवी के कलकत्ता निवास के साथ साथ उद्बोधन पत्रिका का कार्यालय भी हुआ। इस निर्माण में उन्हें ऋण लेना पड़ा। उन्होंने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक श्री रामकृष्ण की वृहत जीवनी लिखी और इस पुस्तक की विक्रय से ऋण का शोध करने का प्रयास किया। उनकी एकाग्रता अद्भुत थी। अपने मन को एकाग्र करने के लिए उन्हें बाहरी शांत वातावरण की आवश्यकता नहीं होती थी। भारी शोरगुल के बीच भी वे मन को पूरी तरह एकाग्र कर लेखन या अन्य कार्यों में लग जाते थे। बचपन से ही शारदानंद में दूसरों की सेवा के लिए स्वयं के प्राणों पर संकट लेकर कार्य करने का साहस था। टीबी, कलेरा जैसे संक्रामक रोगों से ग्रसित रोगियों को निर्भय होकर सेवा करते रहे। जीवन की अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य टूट गया था।
पर फिर भी वे लंबा समय जब ध्यान में बिताते। वे कहते, मेरा बुलावा आ गया है, मैं उस महायात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। अब ध्यान करना ही मेरे जीवन का सबल और श्री रामकृष्ण का नाम जपना मेरे आनंद का स्रोत है। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। 19 अगस्त 1927 को जन्माष्टमी का दिन था। उसी दिन दोपहर को सन्यासियों के हरिओम रामकृष्ण मंत्रोच्चारण के बीच स्वामी शारदानंद ने महासमाधि ली। उनकी पूत देह को बैलून मठ में गंगा जी के किनारे अग्नि को समर्पित किया गया। ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वे ईशावतारम परमेशमिड्यम तम राम कृष्णम सिरसा नमामः। जय राम कृष्ण। जय शारदानंद जी महाराज जी की जय।